तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NBFC एप्लीकेशन जैसे कि कीस, नावी, पॉकेटली, एम पॉकेट, स्टैशमेंट, ऐसे बहुत सारे NBFC एप्लीकेशन है जो कि RBI की गाइडलाइंस और लाइसेंस पे चलती है। इनके रिगार्डिंग जो रिकवरी एजेंट को लेकर के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या रिकवरी एजेंट आएंगे, क्या आपके साथ करेंगे, क्या आपको करना है, ये सारी इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रिकवरी एजेंट से पहले बात कर लें, यहाँ पे क्या क्या रिकवरी एजेंट भेजने से पहले ये लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिकवरी एजेंट भेजने से पहले, सबसे पहले अगर आप लोग ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम होता है तभी आप लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोग का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग ने लोन डिफॉल्ट किया, बाकी कोई नहीं चाहता है कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो, मुझे फ्यूचर में अगर लोन लेना हो तो मैं लोन नहीं ले पाऊँ, ऐसा कोई नहीं चाहता है। इसलिए अगर आप लोग का भी लोन डिफॉल्ट हुआ है तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं जिनका लोन डिफॉल्ट हुआ, क्या उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? नहीं, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपके साथ कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका सिविल ख़राब करेंगे और कुछ नहीं। अगर आपको यहाँ पे सिविल, सबसे पहले तो ये लोग यही करते हैं, सिविल आप लोग का ख़राब करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कॉल करके बहुत सारे मतलब प्रेशर, आपके दिमाग में बहुत प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट कीजिए वगैरह वगैरह। कुछ तो बहुत आराम से बात करते हैं, कुछ कंपनी क्या होती है बहुत टेढ़ा टेढ़ा वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत अजीब असहज बातें बोलती हैं जिसपे आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए आप उस केस में आपको क्या करना होगा, उनसे सिर्फ जब भी कॉल आए तो एक कॉल का रिस्पॉन्स देना, कभी भी हर कॉल का रिस्पॉन्स आप लोग को नहीं देना, एक कॉल का रिस्पॉन्स दीजिए और उसमें भी रिकॉर्डिंग करके रिस्पॉन्स दीजिए। रिकॉर्डिंग करके आप बोलिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको पूरा जितना भी इंटरेस्ट है साथ साथ आपका पेमेंट कर दूंगा। आप लोग ने तो सबसे पहली बात, आप लोग तो मेरा सिविल ठीक कीजिएगा नहीं, मेरे पास जब पैसे होंगे तब मैं आपको रिपेमेंट करूँगा, तो इसलिए आप मुझे वक्त दीजिए। अगर आप वक्त देते तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो मैं आगे से आपका रिस्पांस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है और मैं अगर मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो आपका और रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप मुझे वक्त दे दीजिए, मैं आपका जितना भी पेमेंट है वो आपका रिफंड कर दूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। तो इसके बाद आपको कॉल का, एक कॉल का रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद अगर कॉल भी करते हैं तो ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, जब आपके पास पैसे हो तो आप रिपेमेंट कर दें। दूसरा क्या करेंगे, ये मैसेज करके आप लोग को धमकाएंगे। तीसरा लीगल नोटिस बोल करके आपके घर भेजेंगे। लीगल नोटिस की क्या सच्चाई है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वैसे ये लीगल नोटिस नहीं होते, रिमाइंडर नोटिस होते हैं, इस पर आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे जा करके चैनल पर जाके देख सकते हैं, लीगल नोटिस को लेकर के भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट, लीगल नोटिस के बाद ये लोग रिकवरी एजेंट को भेजना प्रेफर करते हैं। रिकवरी एजेंट की क्या सच्चाई है यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रिकवरी एजेंट क्या होते हैं, यहाँ पे जो कंपनी होती है जो कि आपको NBFC एप्लीकेशंस है वो क्या होती है कंपनी, इनका जो इंडिया में ब्रांच कहाँ होता है, 1-2-3 जगह, मैक्सिमम 3 जगह होगा ब्रांच, उससे ज़्यादा नहीं होता है लोग का। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके शहर या अगर आपका गाँव है तो गाँव में तो समझ लीजिए 100% की रिकवरी एजेंट जाएंगे ही नहीं। अगर आप लोग का गांव का लोकेशन है तो आप लोग के लोकेशन पे कभी भी रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। वहीं शहर की बात करें तो शहर में कोई भी आपके शहर में कोई भी लोन रिकवरी एजेंसीज होती है, वहाँ आप क्या करेंगे, ये लोग कॉन्टैक्ट करेंगे आप उस लोन रिकवरी एजेंसी में, वहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको बोले, उनको आपका डेटा प्रोवाइड करेंगे और उनको बोलेंगे जा करके रिकवरी करने के लिए, और उसके अगर रिकवरी कर लेंगे वो लोग तो उनको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे RBI की क्या गाइडलाइंस है उसके बता देता हूँ कि जो रिकवरी एजेंट को लेकर के RBI की गाइडलाइंस है कि रिकवरी एजेंट भेजना घर पे इलीगल है, आप नहीं भेज सकते हैं। तो ये लोग फिर भी आपको कंपनी भेजती है तो आपको क्या करना होगा, अगर वो आते हैं आपके घर रिकवरी एजेंट तो आपको सिंपली उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग, जब भी आते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने से आपके ही पास फ़ायदा रहेगा, अगर आपके साथ वो कभी बदतमीजी से बात करते हैं तो RBI के पोर्टल पर जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं आप इन लोगों के खिलाफ, और इस पर RBI तुरंत एक्शन लेगी। तो यहाँ पे आप लोग बात कर लेते हैं, जब आपके घर आए तो सिंपली वीडियो तो रिकॉर्डिंग ऑन करना है और उनको बोलना है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। और सबसे पहले उनसे आपको आईडी कार्ड मांगना है, ऑथराइज लेटर मांगना है कि आप लोग को कंपनी की तरफ से ऑथराइज मिला है कि आप लोग रिपेमेंट करें, तो वो लेटर दिखाइए। कभी भी ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है और वहां से ये लोग आते हैं। तो इन केस में आप लोग उनको भगा देना है, उनको बोलना है कि जब लेकर के आइएगा तब हमसे पहले बात कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को बोलना है कि जाकर के थोड़ा सा आरबीआई गाइडलाइंस भी पढ़ लिया कीजिए, तो ये लोग को बताना है। अगर फिर भी वो बदतमीजी से बात करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आकर के वीडियो भेज सकते हैं। और आरबीआई को कंप्लेंट कैसे करना, अगर उस पर भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर आके बताइएगा। और आरबीआई के पोर्टल पर जा करके आप कंप्लेंट भी एक रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये था रिकवरी एजेंट को लेकर के पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने बात किया। अगर आपको भी कोई भी एप्लीकेशन के बारे में देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिए। और चैनल पर जाइएगा तो ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे NBFC एप्लीकेशन को, फेमस हो या पुराने हो या नए हो, सारे ही हम लोग ने कवर किया हुआ, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।